ये हमारी कहानी का सार है। गोलू और राजू भाई और बहन है। और ये उनकी सारी दुनिया थी, ये छोटा सा मेला। करतब दिखाने वाले दूसरे लोग उनके दोस्त थे, परिवार थे, यही उनका घर था। उस दिन करतब दिखाने से पहले राजी अपने भाई को एक और लेकर गई। क्या तुम भूल गए छोटे भाई, उसने भाई से पूछा। और उसने भाई के हाथ पर राखी बांध दी, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। हालांकि ये त्योहार का दिन था, लेकिन तब भी उन्हें पैसे कमाने थे, इसलिए राजी रस्सियों पर चली और दर्शकों को करतब दिखाया। और गोलू प्राचीन समय की कठपुतलियों की कहानी सुना रहा था, जब असुरों ने उस धरती पर कदम रखे। बहुत समय पहले की बात है, एक असुर ने तपस्या की। ऐसी साधना को देखकर ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दिया और दिया एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र। उसे पाने के बाद उसने सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाया। भूमि देवी ने उसे रुक जाने के लिए कहा। उसने भूमि देवी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इससे भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना पैर पटका और महाद्वीप अलग हो गए। साथ ही असुर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वो बोला, आसमान में अंधेरा छा गया और पृथ्वी कांपने लगी और असुरों जैसे दिखने वाले लोग भीड़ में से निकलने लगे। लेकिन ये मुखौटे नहीं थे और ये बच्चों की कहानी नहीं थी। जैसे ही असुर सबको मारने आए, राजी ने अपने भाई के पास जाने की कोशिश की। उसे चोट लगी थी और वो डरा हुआ था, और वो जानती थी कि उसे अपने भाई को बचाना ही होगा। लेकिन राजी तब हार गई जब गड़ासुर के असुर गोलू को ले गए। राजी जागो मेरी बच्ची,
जगह है। बहुत ही छोटी है एक बच्ची। भगवान शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। क्या ये शक्तिशाली है? ये तो समय बताएगा। उसके भाई और दूसरे बच्चों को गदासुर ले गया। मैंने उससे कहा था कि उसे शक्तिशाली बनना होगा। उसकी यात्रा अनजानी और बहुत मुश्किलों से भरी होगी। मैंने उसे आशीर्वाद में त्रिशूल दिया है, मेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो भगवान शिव ने मुझे दिया था। इस त्रिशूल और राजी की खुद की पवित्रता और शक्ति से उसके भाई की जिंदगी बच जाएगी। शांत नहीं है, वो दिल से सोचती है। वो अंधेरी गुफा में बिना डर के चलती है। वो खंभों पर चढ़ती है। वो एक देवी के सामने बिना किसी डर के खड़ी है। उसके अंदर एक आग है। हाँ, इसे खुद को संभालना होगा।
लेकिन इस आग के बिना ये पहले ही हार मान चुकी होती। बहुत से मानव इस तरह बहादुरी से नहीं चढ़ पाते। हमारी राजी को ऊंचाई से डर नहीं लगता। देखिए, उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खंबे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना पड़ेगा। उसने त्रिशूल पकड़ा और वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव से आशीर्वाद मिला था और ये उसके भयानक शत्रु का सामना करने में उसकी सहायता करेगा। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसे धारण करने से पहले उसे शक्ति, हिम्मत और भरोसे की जरूरत होगी। ढूंढ लेगी।
अपनी धड़कन सुनो, युद्ध के नगाड़े जैसी। अपने दिल की सुनो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। लड़ो राजी, योद्धा बनो। को मात दे दी है, अब वो उसे खत्म कर देगी। ये दरवाजा कमजोर है और त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। तुम्हारे जितने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन संभल कर, सभी दुश्मन तुम्हें इतना आसानी से जीत नहीं देंगे। देखो वो करतब दिखाती है हमारी राजी, देखिए वो क्या कर सकती है। Thank you.
सुनहरा शहद असुर को मारने का इनाम। इसकी शक्तियों से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। मंडल सभी को बीता हुआ कल दिखाता है। इन झलकों का हमेशा कोई मतलब होता है। का मंदिर आपकी बहन के मंदिर में हमेशा बलि से भोग चढ़ता है। राजी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वो सावधान रहे तो। Thank you.
आपको मानना पड़ेगा, वो कर लेगी। उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है, और इनकी परीक्षा भी होगी। लेकिन शक्तिशाली होने से मेरा मतलब ये नहीं था। यहां देखिए देवी दुर्गा, उन्होंने आपकी कहानी अपना ली है। महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा, लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसे कोई आदमी नहीं मार सकता। महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा, लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसे कोई आदमी नहीं। और यहां महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया, यहां तक कि इंद्र को भी। का जन्म देवी दुर्गा, देवों को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रु को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियां एक शरीर में, सभी अस्त्रों के साथ। मैं सोचता हूं आपके विचार क्या रहे होंगे। उसे हरा दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप शेर की सवारी करते हुए युद्ध में सबसे आगे थी। सभी देव आपके पीछे थे। एक नई हिम्मत के साथ महिषासुर ने अपना असली रूप लिया। एक भयावह भैंसे के रूप में पैर पटकता हुआ, योद्धाओं को अपने पैरों से कुचलता हुआ और अपने सींगों से सभी को हवा में उड़ाता हुआ। आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हालांकि महिषासुर ने स्वर्ग को हिला दिया था। आपकी आंखों में युद्ध की ज्योति, माथे पर लगन। मैं जानता था देवों ने क्या बनाया है, और मैं ये भी जानता था कि दुनिया में क्या बदलने वाला है। हर बुराई के लिए अच्छाई का जन्म होता है, यही दुनिया का संतुलन है। Thank you.
यहाँ क्या हुआ था? वो इस जगह की बुराई महसूस कर सकती है। आप चौंक गए? महाबलासुर के असुरों ने भूमि देवी के एक पवित्र पेड़ को खराब कर दिया है। इस तरह की बुराई रोकने के लिए ही भगवान शिव ने उसे बंदी बनाया था। बुराई है क्या? सभी चीजें बदलती है।
पेड़ ने राजी को गोलू की एक झलक दिखाई। काले बादल, एक भयंकर तूफान दुनिया को तबाह करने की चेतावनी दे रहे हैं, और इन सब के पीछे शक्तिशाली और दुष्ट असुर हैं। ये रास्ता जयघर के किले के ओर जाता है। वो शक्तिशाली है देवी दुर्गा। हाँ वो है, मुझे उम्मीद है कि वो उसे सहन कर पाएगी जो वो अंदर देखेगी। किला उसके लिए चुनौती होगी, लेकिन वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द महाबलासुर और उसके असुर उसके भाई को बंदी बनाने के लिए पछताएंगे। देवी दुर्गा, इतनी जल्दी ऐसा मत सोचिए। अगर महाबालासुर जीता तो आगे जाकर क्या ही बदलेगा? आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर मानवों का नियंत्रण नहीं। Thank you.
कात्यायनी, हम सभी के विचार से आपने जन्म लिया महिषासुर का वध करने के लिए। स्कंद माता, बुद्धि देने वाली आग की देवी, आपकी गोद में आपकी संतान है। गौर वर्ण की महागौरी, पापियों की उद्धारक, सत्य की देवी, भयावह काल रात्रि, कुशल योद्धा, असुर संहारक और स्वयं समय की काल, सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की देवी, आठ शक्तियों को देने वाली इस पूरी दुनिया का स्रोत, उज्जवल कुष्मांडा, महान सृजनहार, जिन्होंने अपनी हंसी से ये दुनिया बना दी, स्वर्ण चंद्र घंटा, महान असुर संहारक, आपकी तीसरी आंख हमेशा जागी रहती है, ब्रह्मचारिणी, भगवान शिव से आपकी शादी होने से पहले आप उपवास और प्रार्थना करने पर्वतों पर रहने चली गई थी और उन्हें आपकी श्रद्धा के आगे झुकना पड़ा। शैल पुत्री, मुझे याद है कि कैसे आप सती हुई थी और फिर आप पर्वत राज की बेटी पार्वती के रूप में जन्मी। सारी प्रकृति आपकी है और हम सबकी शक्तियां आप में समाई थी। कात्यायनी, हम सभी के विचार से आपने जन्म लिया महिषासुर का वध करने के लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मानवों से प्रेम करने लगी है। सभ्यताएं बनती है और फिर मिटती है। मैं असुरों को जीतने नहीं दूंगी और ना ही वो सन की रहस्यवादी जो उनका मुखिया है। जो उसने भूमि देवी के साथ किया वो बहुत बुरा था। अब महाबलासुर के इरादे कौन जानता है। मुझे उम्मीद है कि वे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे।
Thank you.
मेरे साथ माँ दुर्गा है। Thank you.
नहीं जा सकती। जयधर का किला मानवों द्वारा बनाया गया और दुनिया के दो हिस्सों में बंटने तक असुरों द्वारा जीता गया। बचाओ बहुत मजबूत है, अब और जीवों से उसका सामना होगा। क्या उसे पता है कि वो पीछा कर रही है? मैं भी महामारी सुर के मन की बात नहीं बता सकता। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करता मैं उसके साथ भी ऐसा ही करती। एक उपहार भगवान विष्णु। ऐसा लगता है चमत्कार है। ये जरूर देवताओं का अस्त्र है। धन्यवाद उनका जो मुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी है भगवान विष्णु।
आपका धनुष बहुत अच्छा उपहार है। इन कांटों को संतुलन में होना चाहिए, है ना? लड़की ने अपना ही नाम पा लिया है।
मुझे गोलू से दूर नहीं रख सकते। तुम्हारी बुराई के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।
एक और मंडल, बीते हुए कल की एक और झलक। बच्चों को किसने बंदी बनाया? उनका मकसद क्या था? अगर राजी को सच्चाई पता होती तो वो आसानी से हार मान जाती। क्योंकि वो असुर बहुत बेरहम है और स्वर्ग खतरे में है। ये अजीब है ना?
कि ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ, वो भी ऐसे वंश का जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन कह सकता है कि ये सब कैसे होता है? मैं तो नहीं। उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है। उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूं, मैं ही परम सत्य हूं। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव बना जो बुराई के विनाशक, दूसरा हिस्सा आपको पता है देवी दुर्गा, वो दूसरा हिस्सा आप थी। नहीं डरती।
उसके प्यार से उसके मकसद को शक्ति मिलती है।
हमारे सामने जो आएगा, माँ दुर्गा का हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा। वो हमेशा से आपके साथ रही है और वो सही है। आप इसके बारे में बहुत सोचती है। वो जरूरी है, उससे दुनिया के मानवों को बहुत उम्मीद है। मैं उस पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। ये अजीब है ना, कि इतनी सुंदर और नक्काशी वाली जगह को युद्ध के किले के रूप में बनाया जाना। युद्ध वो साधन है जो उन्हें दुनिया को बदलने के लिए दिए गए हैं। वे केवल उतना ही आदर करते हैं जितना जरूरी है। युद्ध ही एक रास्ता नहीं है। मिल गया, वो गोलू था। असुरों को वो क्यों चाहिए? इन जीवों ने अंधेरे के मंडल को बुलाया, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया था। राजी उन्हें रोकने के लिए भागी, लेकिन असुरों के मुखिया ने उसका रास्ता रोक दिया और अचानक गोलू गायब हो गया।
असुर हार गया। बच्चे राजी को धन्यवाद करने के लिए भागे, लेकिन अंधेरों के मंडल की वजह से गुफा कमजोर हो गई थी। शायद राजी मरने वाली थी, शायद वो हार गई थी। और तभी रहस्यवादी आए, उन्होंने राजी का शरीर उठाया और बहा दिया। जैसे राजी बह रही थी उसे दिखाई दिया। उसके भाई के साथ कौन था? वे क्या चाहते थे? वो नाव में जाग गई और उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। पहले के महान राजाओं ने उसे बनाया था और इसके लिए अपनी जान दी थी। लेकिन अब वहां के रहने वाले दुष्ट परछाइयों के दास थे अपनी इच्छा के खिलाफ। रक्षकों ने राजी को आशीर्वाद दिया क्योंकि वही इन लोगों की आखिरी उम्मीद थी। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था? ओह, मेरे भाई, तुम बहुत पास थे। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। क्या मैंने उससे कुछ ज्यादा मांग लिया? ये तो समय ही बताएगा। सफेद मोर, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कैसे प्राणी इसका पीछा कर रहे हैं? करोड़ द्वार। लेकिन देखिए, सैनिक रंगदा के जादू के वश में है। द्वार पर एक मानव है,
आओ छोटी मक्खी, फंसो मेरे जाल में। सुंदर नदियों का नगर, लेकिन अब इन नदियों में विष घुल गया है। यहाँ बहुत सारे कमल के फूल खिला करते थे। उन्हें देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलती थी। राजी इन्हें खिला सकती है अगर वो इनके बारे में सोचे तो। भगवान विष्णु का मंदिर है। ये हिरण्य नगरी होगी। मैंने इस जगह की बहुत कहानियाँ सुनी है। उसने आपकी प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए नगर को पहचान लिया। क्या आप खुश नहीं हैं, भगवान विष्णु? ये मेरा नगर था जो बेशक मेरे मंदिर के लिए बनाया गया था। ये मेरा नगर। अब यहाँ शक्ति आवास करती है। अंधा के असुर मेरे नगर में। उसकी परछाई लंबी है। तुम्हें हराना होगा राजी। वो आपको सुन नहीं सकती, लेकिन वो कर लेगी। देखो उन्होंने मेरे नाम पर क्या बनाया, एक सुंदर समृद्ध चमत्कारों से भरा हुआ नगर। इतनी सुंदर नक्काशियां और जटिल तंत्र, ये पानी से चलने वाले चक्के, इन चक्कों से दूसरे चक्के घूमेंगे जिनसे द्वार खुलेंगे और वजन उठेंगे। Thank you.
जलासुर, जल के असुर, रंगा के कल पूजो वाले सेवक है। संभल कर, संभल कर राजी, आपकी दृष्टि से बचो। चिल्ला रहा है, क्या उसे चोट लगी है? उसे दूसरा अवसर देगा, लेकिन ये रास्ता बंद है। देखिए, रक्षक नदियाँ उफान पर हैं। उन्हें शांत करने के तरीके भी हैं। उसे कल पुरजो के बारे में क्या पता होगा? ये लड़की बहुत होशियार है, वो रास्ता ढूंढ लेगी। रक्षक वे परेशान है, कुछ तो गलत हुआ है। रंगदा ने मछलियाँ भी भ्रष्ट कर दी है। ये सही हो सकता है भगवान विष्णु, हम इसलिए ही यहाँ हैं। उसे ये साफ करना ही होगा दुर्गा, उसे ये सब साफ करना होगा। वो करेगी, फिर शायद पेड़ उसे भविष्य की एक और झलक देखने देगा। Thank you.
इसे गोलू से क्या चाहिए? उसे निर्देश देने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए? राजी वो नहीं जानती थी जो मैं जानती थी, और ये है हमारी सबसे बड़ी मुश्किल। अगर सोचा जाए तो लड़ाई धार्मिक जगहों पर भी होती है। अगर सही वजह के लिए हो तो युद्ध भी धर्म ही है। बैठ लिया है, इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे गुस्सा दिलाने की। Thank you.
नदियाँ बह गई। ये काफी नहीं है, और भी कुछ करना होगा। दूसरा चक्रदंत ढूंढना होगा। उसे जल्दी करना होगा। राजी के तैयार होने से पहले रंगदा को पता नहीं लगना चाहिए। माता पिता क्यों नहीं है? मेरे प्यारे भाई, वे वहाँ हैं, तारों के बीच। Oh!
मुझे रोक नहीं सकते। ये चालाक लोगों की जगह है, ये पंचक्कियाँ, ये पानी जो इस हरे भरे खेत को सींचती हैं, इसमें कोई शक नहीं ये चालाक है। भगवान विष्णु इसमें शक्तियाँ केंद्रित है और अब ये रंगदा के हाथ में है। मेरे साथ माँ दुर्गा है। से बात कीजिए, क्या तुम नहीं उठोगे? इन लोगों की अपनी कोई इच्छा नहीं है, इनके दिमाग रंगदा के इशारों पर चलते हैं, और इसलिए शहर बिना किसी लड़ाई के कब्जे में कर लिया गया। लेकिन वे जिंदा है और उन्हें आजाद कराया जा सकता है।
यहाँ देखो, ये गरुड़ की कहानी है। दो बहनें थी, कद्रू और विनीता। महर्षि कश्यप की सबसे प्रिय पत्नियां। उन्होंने प्यार से दोनों को एक एक वरदान दिया। कद्रू ने मांगा कि वो 1000 पुत्रों की मां बने। विनीता ने बस एक पुत्र मांगा, लेकिन वो कद्रू के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। महर्षि के आशीर्वाद से कद्रू ने 1000 अंडों को जन्म दिया। विनीता ने बस 2 अंडों को जन्म दिया। समय के साथ कद्रू के अंडे फूटने लगे। हर एक अंडे के अंदर एक सांप था। विनीता का मन अधीरता और ईर्ष्या से भर गया कि उसकी बहन के अंडे पहले फूट रहे थे। इसके चलते उसने अपने अंडों में से एक को खुद ही फोड़ दिया। विनीता के अंडे के अंदर एक आधा बना पक्षी जैसा जीव था। अपनी मां के कार्यों से गुस्सा होकर उसने उन्हें श्राप दिया कि वे दूसरे अंडे के फूटने तक वो कद्रू की दासी बनकर रहेंगी, और अगर उन्होंने अंडे फूटने तक धैर्य नहीं रखा तो वो सारी जिंदगी एक दासी बनकर रहेंगी। और इसलिए अपने आधे जन्मे बच्चे के श्राप से और कद्रू और उसके नाग बच्चों की साजिश की वजह से विनीता अपनी बहन की दासी बन गई। कई साल बीत गए और एक दिन विनीता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला पक्षीराज गरुड़। अपनी मां को दासी बना देख गरुड़ ने नागों से उन्हें आजाद करने को कहा। वे मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि गरुड़ स्वर्ग जाएगा और उनके लिए अमृत लेकर आएगा। गरुड़ अपनी मां के लिए देवों के स्वर्ग गया। वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देव उसे हरा नहीं पाए और वो उनसे अमृत ले आया। मैंने देखा कि गरुड़ ने अमृत अपने लिए नहीं रखा, तो मैंने उसे खुद को सौंप दिया। क्योंकि उसका दिल साफ था, मैंने उसे अमरता का वरदान दिया और बदले में उसने मेरा वाहन बनने का उपहार दिया। अगर मैं ऐसा चाहता, मैंने गरुड़ को चेतावनी दी कि नागों का स्वभाव धोखा देने वाला है। गरुड़ अमृत के साथ नागों के पास पहुंचा, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करें। जब वे नहा रहे थे, उसने उन पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया। उसने अपनी मां विनीता को आजाद किया। सुरक्षा के लिए ब्रह्मा अमृत ले गए और उसे वापस स्वर्ग में रख दिया।